सिंह वर्मा प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी व्यापारी एकता व्यापार मंडल समस्त देश प्रदेश हूं। सहारनपुर की थाना कुतुब शेर पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जिसमें पुलिस ने चार शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है एसएसपी विपिन ताडा ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए अंतरजनपदीय गिरोह के चार शातिर चोरों में शहजाद पुत्र नूर मोहम्मद इरफान उर्फ गुजराती पुत्र मुन्ना नफीस पुत्र रखे व आकल पुत्र सगीर शामिल है जिनके पास से पुलिस ने दो चोरी की हॉडर सिटी कार दो फर्जी नंबर प्लेट दो अवैध तमंशे चार जिंदा कारतूस व दो नाजायज चुरे भी बरामद किए हैं इसमें स्वार्थ टीम और कुतुब शहर टीम ने मिलकर ये चेकिंग के दौरान दो वाहन पकड़े हैं होंडा सिटी कार जो कि जनपद से चोरी की गई थी इसमें पूरे प्रकरण में चार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है एक इसमें से मुख्य चोर है जो इनका सरगना शहजाद जो कि बागपत का रहने वाला है और काफ़ी समय से सहारनपुर में रह रहा है और यहीं से वो होंडा सिटी कारें जो कि 10 साल या उससे पुरानी हो गई थी पुराने मॉडल की उनको यहाँ से चुराता था और एन क्षेत्र में उनको ले जाकर बेचता था जो अभियुक्त है शहजादो पूर्व में भी कई मुकदमों में जेल गया है करीब पंद्रह से ज़्यादा मुकदमे हैं उसके ऊपर और दो बार वो जेल गया है और इसमें गौकशी इत्यादि के भी मुकदमे हैं जहाँ तक इसमें हम हमारी छानबीन हुई है उसमें यह प्रकरण सामने आया है कि ये वाहन चुरा कर उसको गौ तस्करी या पशु तस्करी में भी इस्तेमाल करते थे और उसके बाद फिर ये कहीं उसको कबाड़ में दिल्ली में बेचा करते थे और वहाँ उनको कटवा दिया करते थे पूरे सहारनपुर से चोरी किए गए तीन वाहन इनसे बरामद हुए हैं एक पूर्व से थाना ननोता में दाखिल है और दो वाहन इनसे चोरी के बरामद हुए हैं और इसमें सभी केसेस में मुकदमे लिखे हैं जिनका अनावरण कर इन चारों को जेल भेजा जा रहा है जो इनके सहयोगी इनके गैंग के और लोग हैं जो एनसीआर क्षेत्र में है उनकी पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है और उनके विरुद्ध भी शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी फर्जी नंबर प्लेट जो मिले हैं किस प्रकार इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर के कार्यालय पर गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सराना पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजी सुनेजा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर के सिघन आर के धवन चैप्टर सचिव प्रियेश गर्ग कोषाध्यक्ष सुनील सैनी द्वारा संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया गया तत्पश्चात राष्ट्रीय गान गाया एवं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई इस शुभ अवसर पर उपस्थित सदस्यों द्वारा देशभक्ति गीत गाए और सभी ने भारत माता के जयघोष के नारे लगाते हुए आजादी के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों वीर शहीदों एवं भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन किया गया सहारनपुर में महानगर के तीन ऐतिहासिक स्थलों बाबालाल दास बाड़ा फुलवारी आश्रम व दरगाह हाजी शाह के मुख्य मार्ग को नगर निगम द्वारा विरासत कॉरिडोर के रूप में विकसित कर गणतंत्र पर्व पर उसे लोक के लिए अर्पित कर दिया गया लोकार्पण नगरायुक्त गज़ल भारद्वाज ने रिबन काटकर किया निगम के अन्य अधिकारी व शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे जामिया रहमत भखरौली में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के तत्वाधान गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ साथ राष्ट्रगान व स्वतंत्रता व लोकतंत्र के गीत भी गाए गए सचिव धार्मिक शिक्षा विभाग ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी ने कहा कि इस समय करोड़ों मुसलमानों की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमें संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें नहीं पता कि नागरिक और मुसलमान के रूप में हमारे पास क्या अधिकार है हम नहीं जानते कि संविधान ने हमें क्या दिया है और दिए गए विशेषाधिकारों से हम क्या लाभ ले सकते हैं वतन। है की है। हर साल लगने वाले राष्ट्रीय चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए सहारनपुर से भी सैकड़ों की संख्या में किसान इलाहाबाद के लिए हुए रवाना भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक द्वारा सहारनपुर से लगभग 200 की संख्या में किसान इलाहाबाद में होने वाले राष्ट्रीय चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए सहारनपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुके हैं राष्ट्रीय चिंतन शिविर में किसानों की विभिन्न समस्याओं को सुना जाएगा खास करके किसानों की समस्या गाना भुगतान को लेकर है किसानों का कहना है कि गन्ना भुगतान नहीं हो रहा ब्याज तो दूर की बात वहीं राष्ट्रीय चिंतन शिविर 27 से उतीस जनवरी यानी कि तीन दिन इस शिविर का आयोजन होना है